हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5.2 का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। ओके, क्या कर रहे हैं इसके अंदर, आए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं ध्यान से कि इसके अंदर हमें बोला क्या गया। ओके, देखिए क्वेश्चन में सिंपल बोल कर रखा है कि रामकली जो है वो 5 रुपया सेव कर रही है फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, मतलब वो वीकली पैसे सेव करती है, लेकिन पहला वीक में उसके पास कितना रुपया है, 5 रुपया है। और उसके बाद वो हर एक वीक, है ना, पहले वीक में 5 रुपया रखी है और उसके बाद हर एक वीक वो क्या कर रही है, 1.75 रुपीज क्या कर रही है, वो सेव कर रही है। ओके, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ये बताना है कि कितने वीक के अंदर, ठीक है, कितने वीक के अंदर सिंपल क्या होगा कि ये जो 5 रुपया है वो बढ़कर 20.75 रुपीज तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन। हमें सिंपल लास्ट में क्या बताना है कि कब तक, मतलब सिंपल हमें यहाँ पे एन फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो क्वेश्चन बोल कर रखा है उसको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो ये सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लिया कि रामकली का जो पहले वीक का सेविंग है वो कितना है, 5 रुपया, और उसके बाद ये 5 रुपया में हर एक वीक क्या कर रहा है, यहाँ पे 1.75 रुपीज बढ़ाते जा रहा है। तो कितने वीक के बाद वहां पे क्या होगा, ये रुपीज, जैसे कि यहाँ पे 5 रुपीज से बढ़कर ये 20.75 रुपीज तक पहुंच जाएगा। ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे सिंपल बोल के भी रखा है कि हमें यहाँ पे एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए सिंपल हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, ये। ओके, हमारा फॉर्मूला सिंपल ये है और इसके अंदर जस्ट हम लोग को वैल्यू पुट करना है। ओके, तो देखिए एन हमारे पास सिंपल देके रखा है कितना, 20.75। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू कितना देके रखा है, तो फर्स्ट टर्म कौन सा है आपके पास, 5, तो ए हो गया आपके पास 5। उसके बाद यहाँ पे एन तो हमें फाइंड करना है। ओके, और डी की वैल्यू कितना है, तो 1.75 रुपीज से आगे बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कुछ और नहीं है बल्कि क्या मिल गया आपका, 1.75। ठीक है, क्योंकि इन सभी के बीच में गैप कितने कितने का है, 1.75 का। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सारे सारे इन्फॉर्मेशन। अब जस्ट हम लोग इसके अंदर इसको पुट करते हैं। तो देखिए एन की वैल्यू हमारे पास है 20.75, उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 5, प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और d की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है, 1.75। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए ये जो है यहाँ पे प्लस में इज इक्वल टू के इस अड़ाई क्या हो जाएगा आपका, 20.75 के साथ में माइनस में। ओके, इज इक्वल टू ये एज इट इज। अब ये 20.75 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, सिंपल 15.75। ओके, और बाकी ये सबके सिर्फ एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एन की, तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के इस अड़ाई क्या हो जाएगा, इसके साथ में डिवाइड में। ओके, तो सिंपल यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन कहीं ना कहीं आप इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और ये पॉइंट रिमूव होगा तो ऊपर 100 आ जाएगा। तो ये 100 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग इसको इससे कट करेंगे तो देखिए पूरी तरह से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा आपका, 9 टाइम में आपका सिंपल क्या हो जाएगा, आपका पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कैंसिल होने के बाद कितना आ गया, 9 आ गया। ओके, और उसके बाद फिर बाकी के जो बचे उसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख लेता हूँ। अब हमें एन की वैल्यू निकालना है तो ये इस साइड माइनस में है, इज इक्वल टू की साइड क्या हो जाएगा, प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू एन। तो सिंपल यहाँ पे एन की वैल्यू कितना मिल गया, 9 प्लस 1 10। इट मीन सिंपल यहाँ पे क्या है कि 10 वीक के बाद ये 5 रुपीज से बढ़कर कितना रुपया हो जाएगा, 20.75 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। अब हम मिलते हैं यहाँ पे 5.3 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।